Hello everyone, welcome back in a big data analytics course, and today's topic is very important from exam point of view and the understanding of the big data, because these things are the pillars of the big data. These are the 3 V's of the big data. 3 V है जो big data के pillar है. अगर इन pillars को हटा देंगे तो ढांचा नीचे गिर जाएगा. तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली गो इन दीज वर्ड्स, इससे भी इंपॉर्टेंट है इनके एक एक को डीपली अंडरस्टैंड करना. सो लेट्स डू दिस राइट नाउ. पहला है वॉल्यूम. वॉल्यूम इन द सेंस क्या समझ आ रहा है? साइज ऑफ द डेटा, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, दैट कम्स इन द वॉल्यूम. ठीक है. वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ बिग डेटा, कितना फास्टली आपका डेटा जनरेट हो रहा है देन प्रोसेस्ड किया जा रहा है. कितना फास्टली जनरेट हो रहा है देन प्रोसेस किया जा रहा है, दैट कम्स इनटू द वेलोसिटी. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम को देखकर. थर्ड है वेराइटी. वेराइटी हमें पता है डिफरेंट सोर्सेस से आपका डेटा आ रहा है, तभी तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि अलग अलग सोर्सेज से अपन को डेटा मिल रहा है. डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा हमें देखने को मिल रहा है, दैट कम्स इनटू द वेराइटी. सो दीज आर द 3, वॉल्यूम, वेलोसिटी and the variety of 3 V's of big data. So the very first is volume. Volume is a size of data. Size in the sense amount या the quantity of that particular data. कितने data को particular application से generalize करना है, generate करना है, that matters into the volume. कितना बड़ा size है, कितना large है, तभी तो big data बोला जाता है. Next आपका velocity. Velocity in the sense is the speed of जनरेशन ऑफ डेटा, इन द सेंस कि आप कितनी फास्टली उस डेटा को जनरेट कर पा रहे हो. एक तरह से आप जैसे समझो कि आपकी कोई डिमांड है कि इस पर्टिकुलर रेंज तक आपका डेटा जनरेट होना चाहिए, फिर प्रोसेस हो जाना चाहिए. अगर ये लेवल की स्पीड पकड़ पा रहा है तब तो आपका बिग डेटा प्रोसेस करना गुड है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. तो अपने चैलेंजेस के अंदर था बिग डेटा की स्पीड अच्छी होनी चाहिए तभी काम होगा. तो ये है आपकी चीज़ पूरी करता है कौन? वेलोसिटी. ये सेकेंड पिलर है आपका बिग डेटा का. थर्ड है आपका वेराइटी. वेराइटी इन द सेंस कि जितने भी वेरियस सोर्सेज है, हो सकता है सोशल मीडिया, फाइनेंस, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, एनी काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ सोर्सेज. जितने ज़्यादा डेटा सोर्स हो गए उतने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में काम करेंगे अपन. देखो यहाँ पर है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग. लाइक कोई भी कंपनी है जो डिसीजन जनरेट कर रही है, डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो वो जितने ज़्यादा सोर्स होंगे, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ सोर्स होंगे, जितने वैरायटी ऑफ डेटा होगा अपने पास, उतना ही ज़्यादा डेटा अपना जो डिसीजन है वो उतना ज़्यादा इंप्रूव करेगा, उतना ही अच्छा डिसीजन बनेगा. जैसे कि आप समझ सकते हो कोई भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात है. जितना वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जितना ज़्यादा डेटा होगा, उसको जितना ज़्यादा अपन एनालाइज कर पाए उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी अपनी. तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी. कस्टमर किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को वो अपन समझ पाएंगे. मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, वो चीज़ भी अपन किससे? डेटा से एनालाइज कर पाएंगे. अब एनालाइज कब कर पाएंगे? जितने ज़्यादा डेटा अपने पास होंगे उतना ही ज़्यादा अपन उसको एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करेंगे. तो ये थे हमारे 3 पिलर ऑफ बिग डेटा, 3 V's. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. डेटा की क्लासिफिकेशन यानी डेटा कौन कौन से टाइप का हो सकता है उसको देखते हैं. तो पहला आ गया आपका स्ट्रक्चर्ड. जो स्ट्रक्चर्ड है, शेप में है, स्कीमा है, जिसके अंदर जैसे कि आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है, रिलेशनल एसक्यूएल पढ़िए आपने, वो हो गया. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कैसे भी डाल दो, कैसे भी पटक दो, लाइक नोटपैड में आप फाइल बनाया, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी पटक दिया, कोई फॉर्मेट नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड. थर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, कुछ स्ट्रक्चर्ड में होता है, कुछ नहीं होता है, लाइक आपका XML हो गया, JSON फॉर्मेट हो गया. JSON फॉर्मेट होता है की वैल्यू, JSON फॉर्मेट आपको पता ही होगा. एंड मल्टी स्ट्रक्चर डेटा, जिसके अंदर सारे डेटा मिक्स कर दो, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, तीनों को मिक्स कर दो, दैट कम्स इनटू द मल्टी स्ट्रक्चर डेटा. अब देखो थोड़ा ध्यान से दोबारा समझते हैं. तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर डेटा. स्ट्रक्चर डेटा ऐसा होता है जो एसोसिएट कर देता है आपके डेटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है, या आपका डेटा स्कीमा होता है, कोई भी SQL हो गई, लाइक उसके अंदर कोई स्कीमा बना रखा आपने, उन सब से क्या होता है आपस में कनेक्ट हो सकता है. अब कनेक्ट हो सकता है तो इसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, DBMS में आपने देखा होगा, ठीक है. इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो, इसके अंदर सारा काम कर सकते हो स्ट्रक्चर डेटा के अंदर. सेकेंड आता है अनस्ट्रक्चर डेटा. अनस्ट्रक्चर डेटा वो डेटा होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर एक तरह से होता ही नहीं है, लाइक आपकी .txt फाइल हो गई, ठीक है, .csv फाइल हो गई, दैट कम्स इनटू द अनस्ट्रक्चर डेटा.
एक और चीज होती है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अनस्ट्रक्चर मेनली ऐसा होता है जिसके अंदर जो भी आप रिलेशनशिप्स कर रहे हो डेटा मॉडल के साथ वो इसके साथ एसोसिएट नहीं होता है, डेटा मॉडल्स के साथ स्कीमा के साथ एसोसिएट नहीं होता है, और अपनी रिलेशनशिप्स इन सबको हाइड करके रखता है। जो भी ये आपस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स हो गई, हायरार्किकल रिलेशनशिप्स हो गई, तो इन सबको एसोसिएट एक तरह से शो नहीं करता है। थर्ड आ गया आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ऐसा स्ट्रक्चर डेटा जो मिक्सअप है एक तरह से, आधा स्ट्रक्चर है आधा नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया आपका एक्सएमएल आ गया, जेसन आ गया, एंड और क्या हो गया, ये क्या करता है टेक्स्ट को कंटेन करता है, लाइक एचटीएमएल होती है वैसी होती है एक्सएमएल लैंग्वेज, ठीक है, वैसे होता है जेसन। जेसन के अंदर आपका डेटा है, फॉर्मेट है जेसन, तो ये कंटेन कर रहा है टेक्स्ट को एंड मार्कर्स को, इसलिए इन्होंने बताया कंटेन करता है टेक्स्ट को एंड मार्कर्स को। मल्टी स्ट्रक्चर डेटा आर दोज स्ट्रक्चर डेटा इन विच वी कैन सी द स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, तीनों देख सकते हैं अपन एक ही के अंदर, तो वो आता है मल्टी स्ट्रक्चर डेटा। तो इसके अंदर मल्टीपल फॉर्मेट ऑफ दी डेटा होता है। अब ये एग्जांपल देखिए, लाइक आप वेब सर्वर्स के ऊपर जाते हो, वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो, अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा देखने को मिलता है। डेटा ऑफ दी वेब पहला, दूसरा डेटा ऑफ दी सेंसर्स, लाइक आईओटी के अंदर आप सेंसर्स यूज कर रहे हो, अब किस टाइप का डेटा सेंस कर रहा है उसको नहीं पता, बट उसने सेंस कर लिया है, अब आपको बता रहा है स्ट्रक्चर है अनस्ट्रक्चर है सेमी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको मिक्सअप देखने को मिल रहा है जब सेंसर्स यूज करते हैं आप, तब होता है ऐसा। तो ये आगे मल्टीस्ट्रक्चर डेटा में, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, 3VS देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, होप सो आपको सब कुछ क्लियर है। एक लाइक ठोक दो, ठोक दिया, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।